अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे ईएनटी में ईयर में ये स्टेशन ट्यूब डिसऑर्डर का चैप्टर, जो कि हमारा बीच में से मिस हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा समझना है इसकी एनाटॉमी को, फिर आपको बहुत आसानी से इसके डिसऑर्डर सारे समझ आ जाएंगे। तो पहले एनाटॉमी जरा देख लेते हैं। ओके जी, तो ये देखिए जी, हमारे पास यूज पहले देख लेते हैं, ये स्टेशन ट्यूब है क्या चीज़। जो ट्यूब आपकी, आपको पता है कि फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब भी इसको कहते हैं, जो आपके मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है आपके नेजो फेरिंग्स से, ठीक है, वो आपकी स्टेशन ट्यूब होती है। यहाँ पर इन्होंने एडल्ट्स में भी दिखाई हुई है और बच्चों में भी, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी मिडिल ईयर कैविटी है जहाँ से स्टेशन ट्यूब आती है, और पीछे ज़ाहिर है नोज़ में नहीं, पीछे नेजो फेरिंग्स में ड्रेन हो रही होती है। ये बच्चों में भी आपको दिख रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक एंड, क्योंकि इसका नेजो फेरिंग्स में होता है, दूसरा टिम्पैनिक कैविटी में होता है, इसीलिए इसको फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं। एडल्ट्स में ये थोड़ी सी डाउनवर्ड रन कर रही होती है, ठीक है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। और बच्चों में थोड़ी सी स्ट्रेट होती है, बच्चों में थोड़ी सी बड़ी भी होती है कैलिबर में और थोड़ी स्ट्रेट भी होती है, इसीलिए बच्चों में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। बड़ों में थोड़ी सी छोटी होती है, नैरो होती है और थोड़ी सी डाउनवर्ड टिल्टेड होती है, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्रीज के एंगल पे होती है, तो इसलिए बड़ों में इन्फेक्शन का चांस थोड़ा कम होता है। अच्छा जी, तो अब ये देखें ज़्यादा अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर है। अगर आप एनाटॉमी वाइज बात करें, अब यहाँ से हमने जब मिडल ईयर पढ़ा था तो हमने तब ये बात की थी, मिडल ईयर को हमने एक बॉक्स समझा था, आपको याद होगा। ये देखिएगा, मैं आपको याद करा देती हूँ, इस डिब्बे की मैं बात करूँ, ये हमने मिडल ईयर जब पढ़ा था उसकी एनाटॉमी, तो हमने ये डिब्बा पढ़ा था। तो हमने कहा था कि इसके डिफरेंट मिडल ईयर की वॉल्स होती हैं और हर वॉल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें से ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द इंटीरियर वॉल, ठीक है। और इस इंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर जो बनती है, उसमें से आप ये देखें, यहाँ पर भी नजर आपको ट्यूब जा रही है जिसको इन्हें लेबल किया है फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। दिस इज बेसिकली योर यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो आपके मिडल ईयर की इंटीरियर वॉल में से ये ट्यूब निकल के जाती है और आपके नेसोफेरिंक्स तक आती है। चलें जी, तो अब देख लेते हैं। असल में हमारे पास अगर इस ट्यूब की एनाटॉमी की बात करें, ये वही चीज़ है आपका, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, अंदर आपकी ये तीनों ऑसिकल्स हैं, ये आपकी मिडल ईयर की कैविटी है बेसिकली, और उसके इंटीरियर वॉल में से ये देखें इंटीरियरली रन करती हुई आपकी एक ट्यूब आ रही है। इसके दो पोर्शन है, इसका जो पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन है, जो पीछे है, ये आपका बोनी होता है, और देखें इसके ऊपर नीचे हमारी ये बोन है, ठीक है, दिस इज बोन और ये भी बोन है, ये इसका बोनी पोर्शन है। उसके बाद जो इंटीरियर 1/3 है, क्योंकि ये आगे की तरफ रन करती हुई आ रही है ना, नेसोफेरिंक्स तक आना है इसने, ठीक है। तो ये जो इसका इंटीरियर, सॉरी 2/3 पार्ट है, पीछे वाला 1/3 था, अगला 2/3 होता है, वो कार्टिलेजनस होता है, फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब फाइब्रो कार्टिलेज से कुछ इस तरह से होता है कि पीछे वाला तो बोनी है, तो चारों साइड से इसको बोन ने कवर किया होगा। जो फाइब्रो कार्टिलेज है उसमें आपको, मैं अभी इसकी जो दिखाऊंगी ना, जब मैं आपको और क्लोज पिक्चर दिखाऊंगी, तो उसमें सीन कुछ यूँ होता है कि तीन साइड से, मतलब इस तरह पूरा का पूरा सारा आपका कार्टिलेज ने कवर किया होता है, और एक छोटी सी साइड खाली होती है जहाँ पर आपका फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा है जो ब्लू सा, ये जो सारी सराउंडिंग है ना, ये सारा जो सी शेप बना हुआ है, सारा कार्टिलेज है, और जहाँ पर ये थोड़ा सा इनने खोल के दिखाया हुआ है जिस जगह से, वो जगह इसकी असल में फाइब्रस होती है, तो इसीलिए उसको फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा जी, तो ये तो आपकी यहाँ तक बात होगी। इसको इसको अगर थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में मैं आपको कार्टिलेज को दिखाऊँ, ये देखिए जी, अब ये कौन सी पिक्चर, ये आप पिक्चर पे गौर कीजिएगा, ये आपका वही कार्टिलेज था जो वहाँ पर मैं आपको दिखाई थी, उसको मैंने आपको समझ लें कि मैग्नीफाई करके दिखाया, ठीक है। ये आपकी ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ योर ट्यूब, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी यूस्टेशियन ट्यूब है, जिसमें आपका ये वो सी शेप कार्टिलेज है, ये जो लाइन है ब्लू कलर की, ये वो वाली जगह थी मैं आपसे कही थी कि जो खोल के इन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सी शेप आपका सारा का सारा कार्टिलेज बना हुआ होता है, और इतनी सी खाली जगह है ये जो आपके फाइबर ने बनाई हुई होती है, यानी फाइबरस पार्ट। इस कार्टिलेज के दरमियान में रूफ वाली जगह पे, ठीक है, ये रूफ बन रहा है ना, ये ऊपर वाली सर वाली जगह, ठीक है, रूफ पे एक छोटा सा इलास्टिन हिंज होता है, ये आपको नजर आ रहा है लेबल हुआ है इलास्टिन हिंज। इलास्टिन हिंज का मकसद ये होता है कि जब डायलेटर मसल, अभी मैं बताऊंगी कौन सा मसल है जो इस ट्यूब को खोलता है, डायलेट करता है, वो जब एक्ट नहीं कर रहा होता तो इलास्टिक नहीं होता, जिस तरह की जब इलास्टिक को हम खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो अपनी जगह रिलैक्स होके बिल्कुल अपनी स्टेट में आ जाते हैं। तो इलास्टिन हिंज एक इलास्टिक की तरह यहाँ पर है कि जब इसको डायलेटर मसल पीछे से नहीं खींचेगा और खोलेगा नहीं, तो ये अपनी जगह पर आकर ट्यूब को बंद रखेगा। तो इलास्टिन हिंज बेसिकली आपका, आपकी जो ट्यूब है उसको क्लोज रखता है। इस इलास्टिन हिंज के दरमियान में होने की वजह से जो हमारा एक कार्टिलेज है वो डिवाइड हो गया, एक लैटरल लेमिना जो इस तरफ है वो लैटरल लेमिना है, और जो इधर ज़्यादा बड़े वाला ये मीडियल लेमिना है, ठीक है। तो रूफ पे इलास्टिन हिंज है, उसकी वजह से जो आपका कार्टिलेज ऑफ द ट्यूब है, जिस कार्टिलेज के सिंपली वॉल्स ऑफ द ट्यूब है, वॉल्स ऑफ द ट्यूब डिवाइड हो गई है दो पोर्शंस में, जो लैटरल की तरफ ज़्यादा जाती है यानी बाहर की तरफ, वो लैटरल लेमिना हमने कह दिया, जो अंदर की तरफ आते हैं मीडियल लेमिना। इसको ऐसे समझे कि कान से एक चीज़ आगे की तरफ आ रही है, आपके कान से आपकी नाक की तरफ आ रही है, ज़ाहिर आगे आ रही होगी ना, अगर ये मेरी उंगली वो ट्यूब हो जो कान से आगे की तरफ आ रही, तो ज़ाहिर ये वाली जो मेरी ट्यूब की तरफ होगी ये बाहर की तरफ है, ये लैटरल होगी, और ये अंदर की तरफ जो है वो मीडियल होगी। तो इसी तरह इसका भी ये जो अंदर की तरफ है मीडियल लेमिना है और ये वाला लैटरल लेमिना,
ये जो लाइन है दिस इज योर फाइब्रस पार्ट, और उसके नीचे हमारे पास जो ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है दिस इज ऑस्टमैन्स पैड ऑफ फैट, ये फैटी टिश्यू होता है जो इस आपके फाइब्रस पोर्शन के नीचे लाइन किया हुआ होता है। इसकी वजह ये होती है कि ये भी आपको जरा जो इसकी आपकी है ना ट्यूब, इसको स्टेबलाइज करता है और इसको बंद रखता है जब जरूरत नहीं होती तो। ठीक है, ये हो गया सारा का सारा आपका स्ट्रक्चर। और ये आपको जो बीच में स्लिट सी नजर आ रही है ना, ये बेसिकली आपकी ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब है, जो कि जब खुलेगा तो खुल जाएगा। इस वक्त ये स्लिट सी है, इसका मतलब ये बंद है। उसके साथ अब आप देख लेंगे तो इसका हमने मेजर स्ट्रक्चर कर लिया कि इसका एक मीडियल लेमिना है, एक सॉरी एक लैटरल लेमिना, एक मीडियल लेमिना है, एक इलास्टिन हिंज है, एक हमारे पास ऑस्टमेंस पैड ऑफ फैट है, और ये सारा फाइब्रो कार्टिलेजिनस पार्ट है। ठीक है, बोनी पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बोनी पार्ट सीधा सीधा ये होता है कि बोन ने सराउंड किया हुआ है। अब हमारे पास दो मसल्स भी आपको नजर आ रहे हैं, एक ये देखें मसल जो कि इसकी बेस वाली जगह पे यानी नीचे की जगह के नीचे है, लेवेटर विलाई पैलेटिनी, और एक आपका ये टेंसर विलाई पैलेटिनी है जो यहाँ पर आकर मेम्ब्रेनस पोर्शन के साथ लगा होता है। अब इनको देखते हैं। अच्छा जी, तो इस पिक्चर में अगर आप देख लें आपको समझ आ गई कि ये वाला जो आपका पोर्शन था ना, इसको मैंने भी एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, मसल की अगर हम बात करें तो ये आपकी यहाँ पर इसकी पूरी ट्यूब के सराउंडिंग में तीन मसल्स होते हैं, एक आपका टेंसर विलाय पैलेटिनी, एक लेवेटर विलाय पैलेटिनी, और एक ये सेल्पिंजोफेरेंजियस मसल। ठीक है, जो इनने लिखा हुआ भी है, ये तीन मसल्स हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है जो डायलेशन ऑफ द ट्यूब करता है, यानी जब ट्यूब को खोलने की जरूरत होगी तो जो खोलेगा वो टेंसर विलाय पैलेटिनी होता है। ठीक है, ये टेंसर विलाय पैलेटिनी आपका मसल बेसिकली आपका पैलेट का मसल है, नाम से पता चल रहा है कि पैलेटिनी जहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब आपके पैलेट का मसल होता है। ये इसकी जो अटैचमेंट है ना, जहाँ पर जाके इसने इंसर्ट होना है, वो जगह भी इसकी पैलेटाइन एपोनिरोसिस है, आपकी पैलेट पर जाके इंसर्ट होता है। ठीक है, आपके सॉफ्ट पैलेट के मसल है उनमें से, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो होती है आपका मेम्ब्रेनस पार्ट, यानी कि ये जो कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनस पोर्शन है, स्पेशली उसमें से जो फाइबर वाला पोर्शन है, जो फाइबरस अभी मैंने आपको ब्लू कलर की पतली सी वो दिखाई थी ना लाइन सी, जो फाइबर को असल में हम मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना, तो फाइब्रस या मेम्ब्रेनस जो पोर्शन है वहां पर इसकी होती है ओरिजिनेशन टेंसर विलाय पैलेटिनी की। जब ये खींचेगा ना तो ये उसको यहां पर थी ना वो, यस ये वाली डायग्राम थी। ठीक है, जब होता ही है कि यहाँ पर ये अटैचमेंट है इसकी इस फाइबर के साथ मेनली टेंसर विलाय पैलेटिनी की, जब ये खिंचता है ना तो उसके उसकी वजह से आपकी जो स्लिट है अंदर से खुल जाती है, तो आपकी स्टेशन ट्यूब खुल जाती है। नॉर्मल हालात में स्टेशन ट्यूब बंद होती है, सिर्फ कभी कभी खुलती है जब एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना हो, और तब वो मसल आपका ये टेंसर विलाय पैलेटिनी एक्ट करता है और इसको खोलता है। अब दूसरा मसल यहीं पर आप देख लें कि जो इसकी सारी की सारी बेस के नीचे लाइन कर रहा है, ये देखें यहाँ पर ये पूरा जो मोटे वाला मसल है जो सारी इसकी बेस के नीचे, ये आप इसका लेवेटर विलाय पैलेटिनी, ये भी बेसिकली आपका असल में सॉफ्ट पैलेट का ही मसल है, सॉफ्ट पैलेट का एलिवेटर है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो रोल है ना, करना इस नहीं होता कि इसने स्टेबलाइज करना होता है ट्यूब को, आपकी जो स्टेशन ट्यूब है, और उसको खोलने में हेल्प करनी होती है, लेकिन ये हेल्प आउट करते हैं, इसका मेजर एक्शन नहीं है, मेजर एक्शन टेंसर का है। इस तरह ये देखिए सेल्पिंजोफेरेंजियस मसल भी इधर आपका अटैच हुआ है जरा सा ट्यूब के साथ, लेकिन इसका भी मेजर एक्शन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट है, हेल्प आउट करता है ये टेंसर को खोलने में यानी ओपनिंग ऑफ द ट्यूब में, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, जब ट्यूब ओपन नहीं होनी होती तो वो बंद रहती है नॉर्मल हालात में, और नॉर्मल हालात में ये इलास्टिन हिंज है, ऑस्टमैन्स पैड ऑफ फैट है, जो उसको बंद रखते हैं, मतलब वो उसको खुलने नहीं देते, खुलती तब ये जब ये मसल एक्ट करेगा उस पर। ठीक हो गया जी, तो ये तो होगी आपकी ट्यूब की सारी मेजर एनाटमी। अच्छा जी, तो हम लोगों ने एनाटमी तो कर ली, तो अब उसके बाद जो लाइनिंग ऑफ द ट्यूब है कि अंदर से किस चीज से लाइन होती है, तो सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, सूडोस्ट्रेटिफाइड तो चलो ठीक है, उनने मतलब अंदर की लाइनिंग जो है, अब सिलिया भी अंदर प्रेजेंट है, वो याद रखना सिलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसलिए कि हमने वो मिडिल के सेक्रीशंस को जो है ना वो बीच में से एक तरह से एक क्लियरेंस मैकेनिज्म बनाकर आने दिए, तो इसको मैं अभी आपको फंक्शंस पढ़ाते हुए ना बताती हूँ कि क्यों है सिलिया प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा नर्व सप्लाई जो ट्यूब की है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो ट्यूब है कुछ उसकी नर्व सप्लाई होती है, कुछ उसके जो आसपास के मसल्स हैं उनकी होती है, तो आप इतना याद रख लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये हमारा ज़ाहिर है एनाटमी तो नहीं है, ये हमारा हमने स्टेशन ट्यूब डिसऑर्डर्स पढ़ने में नहीं, लेकिन स्टिल आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि आपको जो ट्यूब का म्यूकोजा है यानी ट्यूब की इटसेल्फ है सप्लाई, वो आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल यानी कि नाइन्थ क्रैनियल नर्व से। ठीक है, उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और जो सेंसरी सप्लाई है, दोनों पैरासिम्पैथेटिक और सेंसरी, उसकी ग्लॉसोफेरिंजियल यानी नाइन्थ क्रैनियल नर्व से है, लेकिन जो टेंसर विलाय पैलेटिनी जो मेन मेन मसल है आपका जो इसके आसपास है और इसको खोलता है मतलब ट्यूब की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच से यानी फिफ्थ नर्व की ब्रांच से सप्लाई होता है। ठीक है, इतना कम से कम आपके जहन में होना चाहिए। अब फंक्शन ट्यूब का जिक्र कर लेते हैं, जरा ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से सुनना है आपने, कि हमारे पास जो पहला फंक्शन है ट्यूब का वो ये है कि वेंटिलेशन और रेगुलेशन ऑफ मिडल ईयर प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमारे पास ये मिडल ईयर है और मिडल ईयर कैविटी के बाहर की तरफ ये हैव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे मिडल ईयर कैविटी पक्की बंद होती है। उसके बाद यहाँ से हम कह रहे हैं कि यूस्टेशियन ट्यूब निकल रही है और नेसोफेरिंक्स तक जाके अटैच हो रही है, जो कि नॉर्मल हालात में बंद होती है, हमेशा खुली भी नहीं होती। ठीक है,
अब मिडिल ईयर जो कैविटी है, हमें पता है कि इसमें कोई फ्लूइड नहीं होता, सिर्फ एयर होती है. मतलब हमारे पास जो मिडिल ईयर है उसका एयर प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना बाहर का एयर प्रेशर है. वो हर टाइम इक्वल टू आउटसाइड एयर प्रेशर रहते हैं, और उस एयर प्रेशर को कोई ना कोई चीज़ तो मेंटेन करती है ना. वो जो मेंटेन करने वाली चीज़ है वो आपकी यूस्टेशियन ट्यूब है. अब ये यूस्टेशियन ट्यूब नॉर्मल हालात में बंद रहती है, सिर्फ आप जब यॉन करते हैं, आप जमाई लेते हैं, आप छींक मारते हैं, स्नीज करते हैं, इन हालात में आपकी यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है. ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जो आपका प्रेशर है वो क्योंकि चेंज हो रहा था, आप यॉन करते हैं, आप एकदम से बहुत सारा अंदर एस्पायर करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो प्रेशर चेंजेस होते हैं ना, वो आपको इक्वलाइज करने के लिए आपकी यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है. और आप खुद फील भी करें, आप स्वेलो करते हैं तब भी यूस्टेशियन ट्यूब, आप थूक निकले अपना, खुद स्वेलो करके देखें तो आपको फील होगा कि जैसे कानों में भी आवाज आई है स्वेलो करने की. वो बेसिकली इसी होता है कि यूस्टेशियन ट्यूब खुलती बंद होती है उस टाइम पे, और इक्वल करती है जो प्रेशर का एयर एयर का प्रेशर है बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड. ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपका प्रेशर इक्वल नहीं होता तो या तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली जाएगी, अगर अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर मिडल ईयर कैविटी के अंदर प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर रिट्रैक्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ पीछे रिट्रैक्शन हो जाएगी. और ऐसा ऐसा अगर बहुत ज्यादा मसला होगा तो आप बताइए, फिर हमारे पास जब किसी जगह नेगेटिव प्रेशर होता है तो वो चीज अपने पास हर चीज को खींचती है. नेगेटिव प्रेशर जब भी किसी जगह पर आप क्रिएट करते हैं तो आसपास से वो हर पॉजिटिव प्रेशर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी आपकी रिट्रैक्ट हो जाती है. और सिवियर केसेस में जो आपकी ब्लड वेसल्स होंगी ना इधर आसपास, उनमें से हेमरेज होके यहाँ पर आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल्स फट जाएंगे. और उसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो नेगेटिव प्रेशर है शदीद किस्म का, मैंने आपको बताया कि वो अपने अंदर चीज़ों को सक इन करता है, खींचता है. ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हर टाइम खुली रहेगी और पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर आपके इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर जाने का खतरा बढ़ जाता है. ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ओपनिंग नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से डिफरेंट इन्फेक्शन है जो मिडिल ईयर को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो आपका वेंटिलेशन ऑफ द मिडिल ईयर एंड रेगुलेशन ऑफ प्रेशर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है. बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन जिसके होते हैं कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की ये ट्यूब ज़्यादा स्ट्रेट होती है, शॉर्ट होती है, और बच्चे ज्यादा मतलब छोटे जो बहुत बच्चे होते हैं वो लेटे रहते हैं ना, मतलब जाहिर है वो तो नहीं खड़े होकर चल फिर सकते, तो लेटे रहने की पोजीशन में क्या होता है कि ब्लड फ्लो वीनस इंगॉर्जमेंट की वजह से ना ट्यूब का फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा होता, इसलिए उनमें ट्यूब की वजह से ईयर का इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है. अच्छा जी, तो दूसरे इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन. अब जो आवाज़ हमारे कानों में जाती है, हमारा सारे सुनने का सारा सिस्टम तो कानों से है. अब कानों से ही अब ये जो हमारी ये वाली ट्यूब है, ये जो नेजोफेरिंजियल ट्यूब है, सॉरी फेरिंजियल टिम्पैनिक ट्यूब है, ये भी आपका जो खुल रही है जाके कान में खुल रही है ना मिडिल ईयर में, तो अगर ये हर टाइम खुली रहा करती तो क्या होता कि जितनी भी साउंड वेव्स है वो हमारे मुंह के जरिए इस ट्यूब में जाती, ट्यूब के जरिए मिडिल ईयर में जाती है, मिडिल ईयर से ट्रांसमिट हो जाती, तो हमें आवाज़ नॉर्मल से ज़्यादा ऊंची सुनाई देती जो हमारे कानों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको नॉर्मल हालात में बंद रखा हुआ है. ठीक है, नॉर्मल हालात में नॉर्मल जब हम बात करें, बात सुन रहे हैं किसी की, तो टिम्पैनिक ये जो हमारी ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब, ये बंद रहती है. सिर्फ उस टाइम खुलती है जब मैंने आपको बताया कि यॉनिंग, स्नीजिंग या थोड़ा सा मतलब सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए खुलती है और बंद हो जाती है. तो अगर ये खुली रहती तो इससे साउंड ट्रांसमिशन होने लग जाती टुवर्ड्स द मिडल ईयर, जिससे हमारी साउंड्स बहुत ज़्यादा ऊंची हमें सुनाई देती. तो प्रोटेक्शन ऑफ द मिडल ईयर अगेंस्ट वेरी लाउड साउंड्स हो जाती है बिकॉज ऑफ द ट्यूब, क्योंकि ये ट्यूब जो है आपकी बंद भी रहती है. ठीक है, अच्छा, उसके साथ हमारे पास फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हम बहुत ज़ोर से जब अपनी नोज़ को ब्लो करते हैं, मतलब हम ज़ोर से नाक साफ करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम मतलब जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्रेशर एकदम क्रिएट करते हैं, ऐसे काम क्या कर सकते हैं कि आपकी जितनी भी सिक्रीशंस है आपकी नेजोफेरिंक्स में, क्योंकि आपका फेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स जो आपका ये गले का पीछे वाला सारा हिस्सा है, यहाँ पर तो मुसलसल सिक्रीशंस बन रही है ना, ये तो वेट होता है म्यूकोजा यहाँ का. अगर आप ऐसे फोर्स वाले काम करते हैं तो आपकी सिक्रीशन सारी की सारी अगर यहाँ पर आप फोर्स करेंगे तो यहाँ से गुजर के आपके मिडिल ईयर में जा सकते हैं, मिडिल ईयर में सिक्रीशन चली जाएंगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा. तो नेजोफेरिंजियल ट्यूब, सॉरी नेजोफेरिंजियल कह रही हूँ फिर से, यूस्टेशियन ट्यूब के बंद होने की वजह से हमें ये भी फायदा है कि जितनी भी आपकी सिक्रीशन है जो आपके नेजोफेरिंक्स में बन रही है, जो फेरिंग्स के रीजन में बन रही है, वो आपकी मिडिल ईयर कैविटी में नहीं जाती, जिसकी वजह से आपकी मिडिल ईयर कैविटी प्रोटेक्टेड रहती है. ठीक हो गया, एक तो ये फंक्शन हो गया इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन, और तीसरा क्लियरेंस ऑफ मिडिल ईयर सिक्रीशन. मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर लगा हुआ है सिलिया. ठीक है, मिडिल ईयर कैविटी के अंदर भी जो उसका इंटीरियर पोर्शन है ना मिडिल ईयर कैविटी का, जहाँ से ये ट्यूब निकल रही है, जिस जगह से मैंने भी आपको जो वॉल दिखाई थी, वहाँ भी सिलिया है सारा.
ये सिलिया का फंक्शन ये होता है कि जितनी भी थोड़ी बहुत सिक्रीशन बन रही होती है ये उसको सारी की सारी को बीट करता है और उसको ला के नेजोफेरिंग्स में ड्रेन कर देता है। हर टाइम ड्रेन नहीं करता रहता क्योंकि सिक्रीशन बहुत थोड़ी बनती हैं, लेकिन जब कभी ट्यूब खुलती है तो सिक्रीशन सारी नेजोफेरिंग्स में ड्रेन हो जाती है। इस तरह मिडिल ईयर कैविटी भी प्रोटेक्टेड रहती है और ये भी जो ट्यूब है वो भी ठीक रहती है। तो बाकी अगले पार्ट में कहते हैं, अभी तक किसी को मस्ता हुई कि नास में। थैंक यू।